ओम शांति। बाबा ने हम सभी अपनी महान आत्माओं को स्वमान की सीट पर बैठाया है और याद दिलाया, बच्चे तुम अब वैसे नहीं हो जैसे तुम अपने को समझते हो। अब तुम मेरी छत्र छाया में आ गए हो, अब तुम मेरे कर्तव्यों में लग गए हो। तुम महान हो, तुम्हें संसार का कल्याण करना है। ये हमें याद दिलाया, कहां हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते थे और कहां बाबा ने हमें इतना बड़ा स्वमान दिया कि तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। और याद दिलाया, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो और जड़ों के माध्यम से किसी भी वृक्ष को भोजन पानी जाया करता है। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों के माध्यम से ही संसार को शक्तियां, पवित्रता, शांति, नैतिकता प्राप्त होती है। तुम्हारी स्थिति यदि महान होती है तो सारे कल्प वृक्ष की स्थिति महान होती है, और तुम्हारी स्थिति यदि डाउन होती है तो सबका खेल बिगड़ जाता है। तो बाबा ने हमें बहुत बड़े बड़े स्वमान दिए, स्वमान की इतनी ऊंची सीट पर बैठा दिया कि तुम तो स्वराज अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जिस मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन और असंभव माना जाता था, बाबा ने बता दिया, बच्चे तुम तो इस मन के मालिक हो। अपने मन को आदेश दो स्वमान की सीट पर बैठकर, तो तुम्हारा ये मन तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। स्वमान की सीट पर बैठकर शक्तियों को आर्डर दो तो हर शक्ति तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। मान लो आपको सहन शक्ति की जरूरत है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, और सहन शक्ति को जस्ट आदेश दें, उसका आह्वान करें कि सहन शक्ति मेरे पास आ जाओ, मुझे सब कुछ सहन करना है, तुम तो मेरी साथी हो। तो आप देखेंगे सहन शक्ति आपकी मदद करने लगेगी। ऐसे ही मान लो आपको समस्याओं का सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है और आप देखते हैं कि जीवन में विघ्न और समस्याएं बहुत आ रही हैं और आप उन विघ्नों समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, स्थिति बिगड़ जाती है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज अधिकारी के सीट पर बैठकर शक्तियों को ऑर्डर दो, हे मेरी सामना करने की शक्ति मेरे पास आ जाओ। बस आप हर चीज का सामना कर सकेंगे। सामना करने का अर्थ ये नहीं हम मनुष्यों का सामना करें, सामना करने का अर्थ है हम माया का सामना करें, हम परिस्थितियों का सामना करें, हम कभी भी विचलित न हों। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमें तो मनुष्यों का भी सामना करना है। नहीं, मनुष्यों को तो हमें प्यार देना है, मनुष्यों के सामने तो हमें सहनशील बनकर रहना है, उनका तो हमें कल्याण करना है। तो हम स्वमान की सीट पर बैठने का अभ्यास करें, रोज सवेरे स्वयं को इस सीट पर स्थित कर दें और दिन में भी 5-10 बार उस सीट पर स्थित हो जाएं, ताकि नेचुरल स्थिति आ जाए, हम नेचुरल स्वमानधारी बन जाएं। ये स्वमान हमारे अभिमान को नष्ट कर देता है, ये स्वमान हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देता है, ये स्वमान हमारे चित्त को एकाग्र कर देता है और हमें सफलता की ओर सहज रूप से ले चलता है। तो आज सारा ये दो स्वमान ज्यादा अभ्यास में लाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वराज अधिकारी हूँ, और साथ साथ अभ्यास करेंगे कि परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा है, उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और विजुअलाइज करेंगे, महसूस करेंगे उससे निकली हुई शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। इन शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाएंगे,
एक स्वमन से हम शक्तिशाली बनते हैं, दूसरा सर्वशक्तिमान से बुद्धि का नाता जोड़ने से उसकी शक्तियां हम में आती रहती हैं। हमें शक्तियां मांगने की जरूरत नहीं, इस तरह अधिकार से प्राप्त करना है। ओम शांति।